श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस ने पूरे देश को दहला दिया था। आफताब ने न सिर्फ अपनी मोहब्बत का कत्ल किया बल्कि उसकी लाश के 35 टुकड़े कर दिए थे, जिन्हें उसने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगाया था। और अब बिल्कुल ऐसा ही एक खौफनाक मामला कर्नाटक से सामने आया है, जहां पर एक बेरहम बेटे ने खुद अपने पिता का कत्ल किया और फिर उसकी लाश के 30 टुकड़े करके बोरवेल में फेंक दिए। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और दिल दहला देने वाली ये वारदात कर्नाटक के बागलकोट जिले की है, जहां मुधोल इलाके में आरोपी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर लाश को 30 टुकड़ों में पहले काटा और उसके बाद उन्हें बोरवेल में ठिकाने लगा दिया। आरोपियों की उम्र जो है 20 साल बताई जा रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि केवल और केवल 20 साल की उम्र में कोई अपने ही पिता के 30 टुकड़े कर सकता है? ये जघन्य अपराध जो है बेहद ही डराने वाला है। और बता दूं कि वारदात 6 दिसंबर की है, आरोपी बेटे की पहचान हो चुकी है, पुलिस ने सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने बताया कि जब उसका पिता परशुराम शराब के नशे में होता था तो अपने ही बेटे पर हमला करता था और उसके बाद मारपीट करता था, और इसी पिटाई से नाराज होकर पिता पर हमला किया और उसके 30 टुकड़े कर दिए। ये मामला बेहद ही डराने वाला है। श्रद्धा मर्डर केस में जहां 35 टुकड़े हुए थे, उसके बाद इस तरह के मामले आना अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। ऐसे में आप क्या कहेंगे इस वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा, और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।